टेस्ट योर सेल फोन ग्रामर क्या, ये आज थर्ड लेक्चर है। इसमें हम एक नए सेंटेंस के साथ दोबारा जुड़े हैं आपके साथ। सेंटेंस है जी, ऑन वेरी ओकेजन वी डिड हेल्प द पुअर्स पीपल्स विद वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ टू पुट ऑन। और नंबर चार पे हमारे पास ऑप्शन होगा नो एरर का। हमने करना ये है कि इस सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है और क्या क्या एरर है, ये हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स बिगिन। ऑन वेरी ओकेजन, फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का कह रहा है जी ऑन वेरी ओकेजन। अब यहाँ पे ऑन वेरी ओकेजन, अब यहाँ पे आपने देखना ये है, ओकेजन के साथ प्रेपोजिशन तो ऑन ही आती है, तो ऑन तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एट दिस ओकेजन या इन दिस ओकेजन या इन वेरी ओकेजन, तो सेंटेंस गलत हो जाता। ऑन के साथ प्रेपोजिशन जो फिट बैठती है वो तो ऑन है और वो हमने लगा रखी है, तो ऑन ठीक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी वेरी, वेरी ओकेजन, ऑन वेरी ओकेजन। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वेरी ओकेजन, ऑन वेरी ओकेजन वी डिड हेल्प द पुअर्स। वो कहना ये चाह रहा है कि हमने बहुत सारे मौक़ों पर गरीबों की, गरीब लोगों की क्या की, मदद की। बहुत सारे मौक़ों पर गरीब लोगों की मदद की। अब यहाँ पे वेरी का मैनी तो डेफिनेटली बहुत ही होता है, बहुत के सेंस में ही हम वेरी को यूज़ करते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि वेरी बहुत के सेंस में जब यूज़ होगा तो इसके बाद कभी भी हम नाउन को इस्तेमाल नहीं करते। वेरी जब भी बहुत के सेंस में यूज़ होगा तो इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे चूँकि ओकेज़न एक नाउन होता है, ठीक है, ION जो होते हैं, सॉरी SION, SION जो एंडिंग होती है ये नाउन की एंडिंग होती है। तो ये चूँकि एक नाउन है तो नाउन के साथ तो हम वेरी का इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ से वेरी को रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो यही होगा कि हमें वेरी को रिमूव करना है। वेरी को जब हम रिमूव कर देंगे तो इसकी जगह पे फिर कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा ये भी हमने देखना है, क्योंकि हमें बहुत का सेंस भी लाजमी चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि बेशुमार मौक़ों पे हमने गरीब लोगों की मदद की है, तो बहुत के लिए फिर दूसरा वर्ड कौन सा आप अप्रोप्रिएट समझते हैं, कंसिडर करेंगे। हमारे पास बहुत के लिए टू का भी इस्तेमाल किया जाता है, टू TOO भी बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि अगर आप टू यूज़ करोगे तो इसके बाद भी हम कोई ना कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद भी हम नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो गलत होगा। सिमिलरली वेरी जो होता है इसके बाद भी एडजेक्टिव तो आ जाता है लेकिन नाउन का इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पे टू भी नहीं यूज़ होगा अगर चाहिए बहुत का मैंने देता है। हमारे पास यहाँ पे मच एक वर्ड है, मच भी बहुत का मैंने देता है, और मच के बाद हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मच के बाद जो नाउन यूज़ किया जाता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर किया जाता है। मच के बाद मच कभी भी काउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं आता, तो मच भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पे यूज़ जो वर्ड करना है वो होगा हमारा वर्ड मैनी। ठीक है, ऑन मैनी ओकेजन्स जो है ये हमारा एक राइट वर्ड है इस जगह के लिए। ठीक है, और मैनी के बाद जो आप नाउन यूज़ करते हो वो आपका काउंटेबल होता है, और अगर वो काउंटेबल होगा तो मैनी चूँकि पीछे हमने लगा रखा है तो आप उसको कभी भी सिंगुलर हालत में नहीं लिखोगे, उसको हमेशा प्लूरल हालत में ही लिखेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा मच के बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल है तो डेफिनेटली उसकी कभी प्लूरल हो ही नहीं सकती, इसलिए वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो हमारी करेक्शन होगी फर्स्ट पार्ट में, ऑन वेरी ओकेजन की जगह पे हम करेंगे ऑन मैनी। अब आपको पता है कि
कि मैनी के बाद नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, तो हम ओकेजन को ओकेजन्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओकेजन के स्पेलिंग भी जो हैं स्पेलिंग भी गलत हैं, मैं स्पेलिंग की गलती के लिए कलर चेंज यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सर्कल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ओकेजन के जो स्पेलिंग होते हैं करेक्ट वो होते हैं OCCASION, ठीक है। तो आपने इसके स्पेलिंग भी ठीक करनी है, पीछे हमने चूँकि मैनी यूज़ कर रखा है तो यहाँ पे ओकेजन्स हो जाएगा सही जो इसकी करेक्शन होगी। तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से होगा, ऑन मैनी ओकेजन्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं, वी डिड हेल्प द पुअर्स। देखिए पास्ट इंडेफिनिट आपने टेंस पढ़ा होगा, उसमें आपको पता है कि कभी भी हम डिड के साथ आगे चल के वर्ब की दूसरी या तीसरी फॉर्म यूज़ नहीं करते, हम हमेशा डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म को यूज़ करते हैं, ये हमारा एक फॉर्मेट होता है ग्रामर का। तो डिड के बाद ई डी वाली जो फॉर्म्स होती हैं आपको पता है, ये ई डी फॉर्म्स जो होती हैं ये या तो दूसरी वर्ब वर्ब की की फॉर्म फॉर्म कंसिडर कंसीडर की की जाती जाती है है या या ये ये वर्ब वर्ब की की थर्ड थर्ड फॉर्म फॉर्म कंसिडर कंसिडर होती होती है। है। तो डिड डिड के के साथ साथ ई ई डी डी फॉर्म फॉर्म तो तो आ आ नहीं नहीं सकती, सकती, तो तो हमें हमें यहाँ यहाँ से से सेकेंड सेकेंड फॉर्म फॉर्म को को रिमूव रिमूव करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। आपको आपको क्या क्या करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, सेकेंड सेकेंड फॉर्म फॉर्म को को रिमूव रिमूव करना करना पड़ेगा पड़ेगा अगर अगर आपने आपने डिड डिड यूज़ यूज़ किया। किया। लेकिन लेकिन ग्रामर ग्रामर ये ये भी भी कहती कहती है है कि कि भाई भाई डिड डिड आपने आपने तब तब इस्तेमाल इस्तेमाल करना करना है है जब जब आपका आपका फिकरा फिकरा कौन कौन सा सा होगा, होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो हो या या फिर फिर आपका आपका फिकरा फिकरा इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव हो, हो, तब तब हम हम डिड डिड को को यूज़ यूज़ कर कर सकते सकते हैं। हैं। सिंपल सिंपल सेंटेंस सेंटेंस में में हम हम डिड डिड यूज़ यूज़ नहीं नहीं करते। करते। अब अब यहाँ यहाँ पे पे वी वी डिड डिड हेल्प हेल्प द द पुअर्स पुअर्स पीपल्स पीपल्स विद विद वे वे ऑफ ऑफ गिविंग गिविंग देम देम फूड फूड टू टू ईट ईट एंड एंड क्लॉथ क्लॉथ टू टू पुट पुट ऑन ऑन यू। यू। तो तो सेंटेंस सेंटेंस जो जो है है ये ये ना ना नेगेटिव नेगेटिव है है ना ना इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव है। है। इसमें इसमें ना ना तो तो लफ्ज़ लफ्ज़ नाट नाट है, है, नाट नाट डेफिनेटली डेफिनेटली नेगेटिव नेगेटिव को को इंडिकेट इंडिकेट करता करता है है और और कुछ कुछ पूछा पूछा भी भी नहीं नहीं गया गया बल्कि बल्कि बताया बताया गया गया है। है। तो तो सिंपल सिंपल सेंटेंस सेंटेंस है है तो तो यहाँ यहाँ से से हमें हमें क्या क्या रिमूव रिमूव करना करना है, है, हमें हमें यहाँ यहाँ से से डिड डिड को को ही ही रिमूव रिमूव करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। यहाँ यहाँ पे पे डिड डिड जो जो है है इसकी इसकी कोई कोई गुंजाइश गुंजाइश नहीं नहीं बनती बनती ज़्यादा ज़्यादा फिकरे फिकरे में। में। तो तो आप आप क्या क्या करें, करें, आप आप यहाँ यहाँ से से डिड डिड को को रिमूव रिमूव कर कर लें। लें। तो तो सेंटेंस सेंटेंस होगा होगा वी वी हेल्प्ड हेल्प्ड द द पुअर्स, पुअर्स, ठीक ठीक है। है। पास्ट पास्ट की की बात बात की की जा जा रही रही है है कि कि माजी माजी में में हमने हमने बहुत बहुत सारे सारे गरीब गरीब लोगों लोगों की की मदद मदद की की है, है, बहुत बहुत सारे सारे मौकों मौकों पर। पर। तो तो माजी माजी है है तो तो आप आप सादा सादा फिकरा फिकरा जब जब पास्ट पास्ट का का होता होता है है तो तो वर्ब वर्ब की की दूसरी दूसरी फॉर्म फॉर्म यूज़ यूज़ करते करते हैं हैं तो तो वी वी हेल्प हेल्प द द पुअर्स। पुअर्स। यहाँ यहाँ से से एक एक और और गलती गलती है है वो वो ये ये है है कि कि जो जो लफ्ज़ लफ्ज़ ये ये पुअर पुअर होता होता है है इसके इसके साथ साथ जब जब आपने आपने आर्टिकल आर्टिकल दा दा लगा लगा दिया दिया हो हो तो तो आगे आगे कभी कभी भी भी पुअर्स पुअर्स आप आप नहीं नहीं करते, करते, ये ये गलत गलत है। है। जब जब दा दा लगा लगा होगा होगा पीछे पीछे तो तो आगे आगे हमेशा हमेशा सिंगुलर सिंगुलर हालत हालत में में आप आप पुअर पुअर यूज़ यूज़ करेंगे, करेंगे, ठीक ठीक है। है। ऑन ऑन मैनी मैनी ओकेजन्स ओकेजन्स वी वी हेल्प हेल्प द द पुअर पुअर पीपल्स पीपल्स विद विद वे वे ऑफ ऑफ गिविंग गिविंग देम देम फूड। फूड। अब यहाँ पे एक एरर एरर और और है, है, वो वो एरर एरर ये ये है है कि जो कि पीपल्स जो है पीपल्स ना है ये ये भी भी गलत गलत है। है यहाँ यहाँ पे पे देखिए देखिए हमारे हमारे पास पास पर्सन पर्सन की की जो जो प्लूरल प्लूरल होती होती है है वो वो दो दो होती होती हैं, हैं, पर्सन्स पर्सन्स भी भी कर कर लेते लेते हैं हैं और और इसकी इसकी प्लूरल प्लूरल पीपल पीपल भी भी होती होती है। है। तो तो पीपल पीपल तो तो एक एक ऑलरेडी ऑलरेडी प्लूरल प्लूरल वर्ड वर्ड है है तो तो इसकी इसकी मजीद मजीद आप आप प्लूरल प्लूरल नहीं नहीं बनाते, बनाते, ठीक ठीक है। है। और और यहाँ यहाँ पे पे ये ये भी भी याद याद रखिएगा रखिएगा कि कि ऐसा ऐसा भी भी नहीं नहीं है है कि कि इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर ग्रामर में में प्यूपल्स प्यूपल्स लफज लफज नहीं नहीं है। है। प्यूपल्स प्यूपल्स लफज लफज है है भी भी सही, सही, लेकिन लेकिन ये ये जब जब प्यूपल्स प्यूपल्स के के तौर तौर पर पर यूज़ यूज़ होता होता है है तो तो वहाँ वहाँ पे पे ये ये बहुत बहुत सारे सारे लोगों लोगों की की लिए लिए यूज़ यूज़ नहीं नहीं होता होता बल्कि बल्कि वहाँ वहाँ पे पे ये ये नेशन नेशन का का मैनी मैनी यानी यानी कौम कौम का का मैनी मैनी देता देता है। है। तो तो यहाँ यहाँ पे पे कौम कौम की की बात बात नहीं नहीं की की जा जा रही, रही, यहाँ यहाँ पे पे गरीब गरीब लोगों लोगों की की बात बात की की जा जा रही रही है है तो तो पीपल्स पीपल्स यूज़ यूज़ नहीं नहीं करेंगे करेंगे आप आप पीपल पीपल यूज़ यूज़ करेंगे करेंगे तो तो एस एस भी भी हटेगा। हटेगा। तो तो सेंटेंस सेंटेंस ऑन ऑन मैनी मैनी ओकेजन्स ओकेजन्स वी वी हेल्प हेल्प द द पुअर पुअर पीपल पीपल विद विद वे वे ऑफ ऑफ गिविंग गिविंग दैम। दैम। अब अब यहाँ यहाँ पे पे प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन है है विद, विद, आपको आपको याद याद रखना रखना है है कि कि विद विद जो जो होती होती है है ये ये हमेशा हमेशा फिजिकल फिजिकल थिंग्स थिंग्स के के लिए लिए यूज़ यूज़ की की जाती जाती है, है, ठीक ठीक है। है। शी शी कट कट हर हर फिंगर्स फिंगर्स विद विद अ अ नाइफ, नाइफ, ठीक ठीक है। है। चूंकि चूंकि उसने उसने अपनी अपनी उंगलियों उंगलियों को को एक एक चाकू चाकू के के जरिए जरिए कट कट लिया, लिया, कट कट कर कर लिया, लिया, और और चाकू चाकू चूंकि चूंकि एक एक फिजिकल फिजिकल थिंग थिंग है, है, जगह जगह रखने रखने वाली, वाली, जगह जगह लेने लेने वाली वाली चीज़ चीज़ है, है, तो तो उसके उसके साथ साथ तो तो आप आप विद विद यूज़ यूज़ कर कर सकते सकते हैं, हैं, लेकिन लेकिन अगर अगर कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंग थिंग है है जो जो कि कि कोई कोई फिजिकल फिजिकल प्लेस प्लेस नहीं नहीं लेती, लेती, फिजिकली फिजिकली प्लेस प्लेस वो वो नहीं नहीं लेती, लेती, तो तो उसके उसके
क्योंकि वे जो है वो एक तरीका होता है, वे का मैंने क्या होता है, किस तरीके से उन्हें खुराक देके और उन्हें कपड़े देके उनकी मदद की। तो तरीका जो है ये एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है, इसके साथ आप विद यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा कि अब फिजिकल चीज़ होगी तो उसके साथ हम विद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपकी जो थिंग है वो फिजिकल नहीं है, वो थिंग आपकी फिजिकल की बजाय अब्स्ट्रैक्ट थिंग होगी, तो आप वहां पे उसके साथ क्या यूज करना है जी, याद है आपको जी, उसके साथ फिर हम विद का इस्तेमाल नहीं करते, बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए यहां से विद भी हटेगा और बाय आ जाएगा, क्योंकि वे एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम देख नहीं सकते। हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो आपकी फिजिकल नाउन में आता है, कंक्रीट नाउन में आता है। और हर वो चीज जिसे हम नहीं छू सकते, देख सकते, वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो यहाँ पे चूंकि वे एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें पता है वे को हम देख नहीं पाते, वे को हम छू नहीं पाते, इसलिए ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आपको बाय का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो पीपल बाय वे ऑफ, अब ऑफ के बाद आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा आई एन जी का नाउन यानी जेरेंड इस्तेमाल करते हैं। तो ऑफ गिविंग यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। गिविंग देम, गिव एक ऐसा वर्ब है जो कि अपने बाद लाजमी इसको नाउन चाहिए होता है, ठीक है। तो गिव के बाद कोई नाउन हमें चाहिए और नाउन यहाँ पे मिल गया देम, क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो देम हमें मिल गया तो ओके हो गया। इसके बाद आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स का, ठीक है। तो ये गिव जो होती है ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसे अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा। गिविंग देम फूड टू ईट, अब यहाँ पे टू ईट क्यों आया, गिविंग देम फूड फॉर ईटिंग भी तो आ सकता था ना, उन्हें खाने के लिए। तो के लिए तो हम आमतौर पर क्या यूज करते हैं, के लिए हम आमतौर पर आपको पता है कि जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमारा होता है फॉर, ठीक है। के लिए वर्ड हमेशा कौन सा यूज होता है, मैंने इसलिए साफ किया ताकि हमारे पास जगह बन जाए। हमारे पास जब भी के लिए का हमने सेंस लेना होता है तो हम उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें के लिए का सेंस तो मिल रहा है, गिविंग देम फूड टू ईट, उन्हें खाने के लिए खुराक दी, लेकिन यहाँ पे टू लगा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पे फॉर ईटिंग कर दूं तो वो ठीक रहेगा, आपने मुझे ये बताना है, समझिएगा इस चीज को, फॉर ईटिंग ठीक रहेगा या टू ईट आना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, याद रखिएगा, जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि कोई काम जो हुआ है उसका पर्पस जाहिर किया गया हो, तो वहां पे पर्पस जो होता है वो हमेशा आपका किसी वर्क का जो भी पर्पस होगा वो हमेशा आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लिखेंगे, यानी इन्फिनिटिव के तौर पर। मसलन मैं अगर कहता हूँ वो मैसेज करने के लिए रुका, तो क्यों रुका, किस मकसद की वजह से रुका, क्या मकसद था उसका रुकना मैसेज करने का। तो मैं इसको लिखूंगा ही स्टॉप्ड टू टेक्स्ट, इस तरह से लिखूंगा ना, क्यों रुका, टेक्स्ट करने के लिए रुका। तो टेक्स्ट यहाँ पे उसका पर्पस था, रुकने का पर्पस क्या था, टेक्स्ट करना था उसको। तो पर्पस आप जब भी लिखोगे तो आप हमेशा याद रखिएगा आपको इन्फिनिटिव के साथ लिखना है, जेरेंड के साथ नहीं लिखना। तो यहाँ पे उनका जो पर्पस था बाई वे ऑफ गिविंग देम फूड, उन्हें फूड देने का क्या मकसद था, ताकि वो खा सकें, ठीक है, उनको खाने के लिए खुराक दी गई थी। तो पर्पस यहाँ पे उन्हें देने का जो था वो क्या था, ताकि वो खा सकें, यहाँ पे गिविंग का मैं नहीं आया ना, तो
तो इस वर्ब का क्या पर्पज था कि उन्हें दी गई खुराक, उन्हें खुराक देने का मकसद क्या था? ये मकसद था कि वो खा सकें। तो पर्पज है, तो पर्पज को आप टू के साथ बल्कि फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, तो ये भी सही हो गया। टू ईट एंड क्लॉथ टू पुट ऑन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्लॉथ एक नाउन है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, और एक लफ्ज ये भी होता है, इनमें क्या फर्क होता है? देखें, एक होता है सिला हुआ कपड़ा, एक होता है सिलाई किए बगैर कपड़ा। तो आपका जो सिला हुआ कपड़ा होता है उसके लिए आप ये वाला क्लास यूज करते हैं, ये जो होता है ये अनसिला कपड़ा होता है, जो अभी सिलाई नहीं किया गया, यानी जो मलबूस होता है, जो पहनने के कपड़े होते हैं उसे हम क्लॉथ कहते हैं, और जो वैसे कपड़ा बगैर सिलाई के होता है उसे हम क्लॉथ कहते हैं। तो उन्हें आपने अब यहाँ पे देखना है कौन सा क्लॉथ का हमें सेंस चाहिए। दोबारा सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। ऑन मैनी ओकेजंस वी हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ टू पुट ऑन। पुट ऑन का मैनी होता है पहनना। तो पहनने के लिए जो कपड़ा दिया जाता है वो कौन सा होता है? ऑफ कोर्स वो सिला हुआ कपड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्लॉथ नहीं आएगा, इसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा? क्लॉथ करना पड़ेगा, तो आपका सेंटेंस ठीक होगा। तो इसमें अगर एरर्स की बात की जाए तो इस सेंटेंस में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी, यूँ समझ लें कि ये सेंटेंस गलतियों से भरा हुआ था। मैं एक बार दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ जो हमारी गलतियाँ थी आपको याद और आपके लिए आसानी के लिए। सबसे पहले तो वेरी गलत था, फिर ओकेजन गलत था, फिर डिड गलत था, फिर पुअर्स गलत था, फिर पीपल्स गलत था, फिर विद भी गलत था, उसके बाद क्लॉथ गलत था। तो इसमें कितनी गलतियां थी? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एरर्स थी। ठीक है, एक ही सेंटेंस में कितनी एरर्स हमने सॉल्व की? 7। और कंसेप्ट जो आपको दिए गए वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली 7 से भी ज़्यादा थे, मसलन जेरेंड और इन्फिनिटिव वगैरह की बात की हमने। ठीक है, तो आपको उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट होती है मेरी कि आपने क्या करना है, आपने चैनल अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।